देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंचायती राज चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन और रेवाड़ी शहर के मतदाताओं का कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आभार जताते हुए कहा कि पंचायती राज निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसके लिए वे क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करते हैं। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा में पंचायती राज चुनाव की जीत के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी एक एक बार वाला रिवाज जनता बदलने जा रही है और वहां इस बार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव पर एम्स निर्माण के सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रेवाड़ी में पिछले 30 से 35 वर्षों तक कांग्रेस का विधायक रहा, लेकिन उन्होंने कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं करवाया और अब वे उनके 3 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, तो उन्हें इसका जवाब क्षेत्र की जनता की ओर से पंचायती राज चुनाव में जीत दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्दी एम्स निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। देश में नया इतिहास हिमाचल की जनता लिखने जा रही है और हिमाचल का इस बार रिवाज बदलने जा रही है, क्योंकि नहीं तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का रिवाज जो था, इस बार हिमाचल की जनता ने अपना मन बना के और भारी मतदान किया है और वो केवल रिवाज बदलने के लिए किया है कि हर बार भाजपा, इस बार पुनः भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी। मैं था विधानसभा सुलह में, जहाँ से हिमाचल प्रदेश के स्पीकर विपिन परमार जी इस बार दोबारा लड़ रहे थे, तो वो भी पूरी तरह से भारी बहुमत के साथ वो सीट भी हमारी आराम से निकल रही है, क्योंकि लोगों का जोश और उत्साह देख के मैं ये दावे से कह सकता हूँ सुलह भी जीतेगी और हिमाचल प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार भी बनेगी और भारी रिकॉर्ड से बनेगी। रेवाड़ी विधायक देखिए क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये तो वो विधायक ही जाने किस तर्ज पे कह रहा है। और रेवाड़ी विधायक को तो रेवाड़ी का बहुत लंबा चौड़ा हिसाब देना है, 45 साल से एक ही परिवार रेवाड़ी में का राज रहा है। जनता हिसाब मांगे तब तो, अब मैं 3 साल से विधायक हूँ, जनता हमसे हिसाब मांगती है, ये क्या कारण है कि 30-35-40 साल से जनता हिसाब क्यों नहीं मांग रही, इसके बारे में भी जनता को सोचना पड़ेगा। और आज रेवाड़ी की तो जब से ये बने, जब से दुर्दशा और ज़्यादा हुई है, एम तो जल्दी बनेगा, जल्दी ही अभी चुनाव के बाद, अभी गुजरात का चुनाव है, मैं ये समझता हूँ जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। राव इंद्रजीत जी उनके संपर्क में हैं और मुझे लगता है कि जल्दी एम्स का उद्घाटन होने वाला है। पूर्व मंत्री का तो देखो मैंने बता दिया आपको, 45 साल एक ही परिवार ने रेवाड़ी को पीछे धकेलने का काम किया है, जब इनकी सरकारें होती जब बना के दिखाते, अब तो ये हमसे जुमले की बात कर रहे हैं, ये तो थोड़े दिन में आओ यारो पलटी मारो वाला विश्वास रखते हुए। तो मैं इलाके के लोगों को बधाई देना चाहूँगा, एक बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न कराया, सबने अपने मत का आराम से प्रयोग किया और सभी ने अपने इलेक्शन कमीशन पर विश्वास जताते हुए आराम से पोलिंग जो कंप्लीट करी है, इसलिए मैं इनको पूरी रेवाड़ी जिले को बधाई देता हूँ। दूसरा, जो चुन के जनप्रतिनिधि आए हैं उनको भी बड़ा मन रख के, और किसी ने वोट दी या नहीं दी उस में ना जाके, अब वो सारे गांव के जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने इस बड़ा मन रख के सारे गांव को साथ लेके सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के गांव के विकास कार्य में हमारे साथ सरकार के साथ कंधे से कंधा लगा के चलने का अब अवसर आया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। दूसरा, मैं जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं
उनको बधाई भी देना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा, और साथ में जो हार गए उनको भी ये कहना चाहूँगा कि जीत एक की होनी थी। मायूस ना हो, समाज के कामों में जैसे आप पहले की तरह लगे हुए हैं, आगे भी समाज के काम इसी तरह से करते रहें। समाज में आपकी जगह है, क्योंकि हार के घर ना बैठे। जिस काम के लिए आप राजनीति में आए हैं, जिस सेवा भाव से आप राजनीति में आए, वो निरंतर करते रहें। हार जीत एक कोई बहुत बड़ा पैमाना समाज सेवा का नहीं है, समाज सेवा अलग अपना अलग से मुकाम रखती है। इसलिए सब लोगों को मिलके रेवाड़ी जिले का, प्रदेश का विकास मिलके ही हो सकता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।